नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमिता में। आज मैं आपको बताऊंगी कि चने में अगर कीड़े पड़ जाएं तो क्या करें, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि चने में अगर कीड़े लग गए हैं तो उसे कैसे साफ़ करें और इसका यूज़ कैसे करें और चने के दाल को कैसे परियाते हैं, और तीसरा इसी चने से मैं पकौड़ी बनाकर उसकी सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चना लिया है, इसे मैंने रात में भिगो दिया था और इसे अब हम थोड़ा सा लेकर लोढ़े की सहायता से इसे फोड़ लेंगे। इससे मैं इसे चने का दाल निकाल लेंगे और चने का छिलका अलग कर देंगे। ये मेरे पास लोढ़ा है, आपके पास अगर लोढ़ा नहीं है तो आप जो है किसी भारी बर्तन से भी आप इसे प्रेशर देके आप कर सकती हैं, इसका दाल निकाल सकती हैं और छिलका अलग कर सकती हैं। इसी तरह हल्के हल्के हाथ से करेंगे। अगर आप सिल्क का प्रयोग करेंगे तो और इजीली निकल आएगा। ये मैं आपको किचन में टाइल्स पे ही करके दिखा रही हूँ। देखिए ये निकलना शुरू हो गया है। देखिए इसी तरह से दाल अलग हो गया है और उसका छिलका अलग हो गया है। इसी तरह से हम सारे चने को फोड़ लेंगे, इसके छिलके को अलग कर देंगे और इसमें से हम दाल निकाल लेंगे और इसे अब हम हाथ से मस लेंगे ताकि उसके छिलके और दाल चना का अलग हो जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको धुलेंगे। इसे हाथ से ऐसे ही रगड़ के धोना होगा ताकि इसका छिलका इजली निकल सके। और अब मैं इस पानी को निकाल के इसे फेंक दूंगी। इसमें जितने भी सड़े हैं वो सारे निकल जाएंगे। इसी तरह से मैं अब साफ पानी डाल रही हूँ। इसी तरह से इसको हम धोते रहेंगे, इसको जब तक कि इसका दाल और इसका छिलका अलग नहीं हो जाता है। इसे हम अच्छे से धोएंगे। अब देखिए दाल मेरा निकल आया है और इसका छिलका जो है वो अलग हो गया है और साफ हो गया है। अब इसे हम धो ले रहे हैं फाइनली। और अब मैं जो अगला प्रोसेस करने जा रही हूँ उसे कहते हैं परियाना। अब इसको इसी तरह से पानी डाल डाल के जो आगे दाल आता जाएगा उसे हम धीरे धीरे निकालते जाएंगे।
इससे हमारे जो दाल है वो साफ दाल निकल आएंगे। अगर इसमें कंकड़ मिट्टी वगैरह होगी तो वो पीछे ही रह जाएगा, फिर उसे मैं हाथ से निकाल के फेंक दूंगी। अब ये देखिए इसमें हल्का सा कंकड़ है, इसमें निकाल दिया और ये एकदम साफ हो गया। अब मैं इस दाल से आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगी, तो इसे अब मैं मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए पेस्ट मेरा तैयार है। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, तो मसाला के लिए मैंने लिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हल्दी, 1 बड़ा लहसुन और 6-7 मिर्चा लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और ये है बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री और ये 4 लौंग। अब इसे मैं पानी डाल के हल्का हल्का, देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने जो पेस्ट बना के रखा था दाल का उसे मैं निकाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो है डाल रही हूँ। अब इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये पेस्ट मेरा तैयार है, मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इससे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के इसे छान लूँगी। अब इसे हम बराबर से चलाएंगे और अब इसे मेरा ये पकौड़ी हो गया है। अब इसे हम छान के निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे 5 फोरन। अब ये मेरा तड़का हो गया है, चिटकने लगा है, तो अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। अब इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे। अब ये मसाला हो गया, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, 2 बड़ा कप पानी। अब मैं इसमें पकौड़ी डाल दी हूँ। अब ये देखिए अच्छे से खोल रहा है। अब ये मेरी सब्जी पक गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तेल देखिए एकदम ऊपर आ गया है। अब मेरी ये चने के दाल की पकौड़ी वाली
सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।